डीएम चर्चा के अंदर, जिसमें आज हमारे गेस्ट हैं मंजीत सर। अगर आपके कोई भी डिजिटल मंजीत के सवाल हैं, जो भी आपने सवाल पूछे हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, आपके बिहाफ पे हम आज उनसे सवाल करने वाले हैं। तो बताइए मंजीत सर, आपको कैसा लग रहा है आज यहाँ आके? बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरे खुद के चैनल पे मेरे को ही गेस्ट बना के इन्वाइट किया जा रहा है, वाकई मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और स्पेशली जो आपने बोला ना कि डिजिटल मंजीत के साथ, तो मेरे अंदर सारी वायरें घूम रही है, बहुत अच्छा लगा ये सारी चीजें सुन के। चलिए स्टार्ट करते हैं, आप भी क्वेश्चंस हैं कुछ? हाँ, इनके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, हम आपसे पूछेंगे सर। चलिए क्वेश्चन पूछिए फिर। सो पहला सवाल आ रहा है कि शुड वी क्रिएट अ सेपरेट गूगल एड्स अकाउंट फॉर आवर क्लाइंट आवरसेल्फ और वी आस्क क्लाइंट टू क्रिएट देयर गूगल एड्स अकाउंट देमसेल्फ्स। ओके, बेसिकली कई बार ना जब हम डिजिटल मार्केटिंग के अंदर काम करते हैं, एज अ एजेंसी काम करते हैं या एज अ फ्रीलांसर काम करते हैं, तो ये चीज बड़ी ध्यान से समझने वाली है कि कई बार हम लोग क्या करते हैं कि जो क्लाइंट हमें गूगल एड के लिए पैसा देता है, तो हम अपने ही अकाउंट के अंदर ही वो सारी चीजें क्रिएट करके दे देते हैं। दैट इज वन, यानी कि एक कॉमन अकाउंट ही हम यूज करते हैं। बट एक बेस्ट प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग अगर बात करें, हर क्लाइंट आपसे कुछ ना कुछ डिटेल मांगते रहता है, तो आप जो है यहाँ पर हर क्लाइंट के लिए जो प्रैक्टिस की बात करें, तो प्रैक्टिस ये होनी चाहिए कि चाहे आप खुद क्रिएट करके दें या क्लाइंट को बोलते हैं कि आप ही गूगल अकाउंट क्रिएट करके दे दो, बिकॉज अल्टीमेटली ये उनका ही प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर जो है उनकी प्रॉपर्टी है, तो जो उनका अमाउंट है वो उनके ही एड के अंदर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो इसीलिए रिकमेंडेड तो यही है कि आप एक सेपरेट अकाउंट जो है क्लाइंट से बनवा लें या खुद उनको बना के दे दें, क्योंकि कई बार होता है क्लाइंट्स इतने फैमिलियर नहीं होते हैं कि कैसे बनाना है, कैसे उसमें जो है सारा सेटअप वगैरह करना नहीं मालूम होता है। तो आप उनको क्रिएट करके दे सकते हैं, उनका मास्टर यूजर आईडी पासवर्ड उनके पास रखें और उसके बाद जो है आप एज अ मैनेजर जो है उसका शेयरिंग ले लें और फिर जो है उनके अकाउंट को मैनेज करें। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये आ रहा है कि आई हैव इंस्टाग्राम अकाउंट एंड हैव 200K प्लस फॉलोअर्स, बट आई डोंट नो हाउ टू मेक मनी विद दिस अकाउंट, एज कैन हैव सीन लॉट ऑफ पीपल टू मेक देयर मनी अर्निंग 1 लाख प्लस एवरी मंथ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली बहुत लोग जो हैं इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी अकाउंट्स क्रिएट कर लेते हैं और बहुत कईयों के ऐसे कोई पोस्ट चला जाता है जो वायरल हो जाता है, जिसकी वजह से उनके पास में फॉलोअर्स काफी अच्छे आ जाते हैं, और ऐसे में उनको पता नहीं है कि उससे पैसा कैसे कमाया जा सकता है। अगर हम यूट्यूब की बात करें तो यहाँ पे मोनेटाइजेशन एनेबल है, लेकिन इंस्टाग्राम के ऊपर में ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में जो है जिनके फॉलोअर्स काफी अच्छे हो जाते हैं, उनको ये पता नहीं चल पाता कि मैं कैसे पैसा कमा सकता हूँ। तो अगर फॉलोअर्स अच्छे हैं, व्यूज अच्छे आ रहे हैं, तो इसमें बहुत ही सिंपल चीजें हैं। आपको नो डाउट इंस्टाग्राम की तरफ से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे प्रीमियम ऑप्शंस दिए हुए हैं लेकिन वो इतना यूज के नहीं है। आपको सिर्फ एक ही ऐसा सोर्स ऑफ इनकम है वहां से, जहां से आप एक बहुत अच्छा अमाउंट क्रिएट कर सकते हो, वो है स्पॉन्सरशिप्स, ब्रांड प्रमोशंस वगैरह। आप बहुत सारी कंपनीज को अप्रोच खुद भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज को नहीं पता होता आपकी प्रोफाइल के बारे में। तो आप अगर उसको एज अ बिजनेस लेना चाहते हो और इनकम जनरेट करना चाहते हो, तो आपको बहुत सारी जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं आपकी सिटी के अंदर में, उनके प्रमोशंस के लिए उनको आप अप्रोच कर सकते हो। आप बता सकते हो हमारे पास में इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर्स हैं, तो डेफिनेटली आपको उससे काफी एक अच्छा अमाउंट जो है वो आप आसानी से जनरेट कर सकते हैं। तो यानी कि आपके पास में स्पॉन्सरशिप्स हैं या फिर ब्रांड प्रमोशंस हैं या फिर कोई नया ब्रांड जो है वो आपके सिटी के अंदर या जहां पर भी वो लॉन्च होने जा रहा है उसका आप प्रमोशंस वगैरह कर सकते हो। कोई इवेंट्स आने वाले हैं, हर सिटी के अंदर इवेंट्स होते रहते हैं, आप उनके लिए जो है यहाँ पे रीच आउट कर सकते हो। अभी तो जैसे पॉलिटिकल का चल रहा है, राइट, तो आप उनके लिए, उनके प्रमोशंस के लिए भी जो है आप उनको अप्रोच कर सकते हो, जहाँ पे काफी अच्छा अमाउंट जो है आपको जनरेट किया जा सकता है। ओके सर, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि आई हैव डन डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम वन ऑफ द इंस्टीट्यूट इन भोपाल, बट स्टिल आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड हाउ डिजिटल मार्केटिंग वर्क एंड वेयर टू अप्लाई फॉर जॉब। ओके, देखो डिजिटल मार्केटिंग जनरली क्या होता है ना, मैं यहाँ पे इसको दो तरीकों से बताना चाहूंगा। पहला ये कि मेरी एक हॉबी है, मैं डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता हूं और मैंने सीखा, तो डेफिनेटली क्योंकि मेरी हॉबी है, मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है उसमें, तो मैं क्या करूंगा, 100% दूंगा लर्निंग के टाइम पे, जिससे क्या बेनिफिट होगा कि मेरे को हर चीज
समझ में आएगी। अब क्योंकि मेरा इंटरेस्ट भी है तो मैं उस पर प्रैक्टिस भी करूंगा, सिर्फ इंस्टीट्यूट में जाके नहीं, मैं घर पे आने के बाद में भी या जॉब पे जहां पर भी जब मैं उस चीज को इम्प्लीमेंट करके देखूंगा कि वाकई ऐसा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। दैट इज वन। सेकेंड, मैंने जो स्टूडेंट्स देखे हैं वो किसी दूसरे से या तो इंस्पायर हो जाते हैं कि यार ये डिजिटल मार्केटिंग में बंदा काम कर रहा है तो ही इज अर्निंग लॉट ऑफ मनी, तो दूसरे से इंस्पायर हो जाते हैं, या फिर कई बार पेरेंट्स जो हैं वो किसी दूसरे से इंस्पायर हो गए, वो अपने बच्चे को जनरली जबरदस्ती पुश करते हैं कि भाई तू डिजिटल मार्केटिंग सीख। तो ऐसे में क्योंकि एक उसका खुद का पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है डिजिटल मार्केटिंग में, तो ऐसे में वो बच्चा इंस्टीट्यूट जाता है, वहां पे जाके वो 100% नहीं दे पाता, जिसकी वजह से वो सारी चीजों को समझ नहीं पाता है क्योंकि यूज नहीं कर रहा ना उस चीज को, अपने लाइफ में अडॉप्ट नहीं कर रहा उस चीज को। अब क्योंकि पेरेंट्स ने बोल दिया तो इसलिए वो सीख रहा है लेकिन उसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहा, तो जिससे उसको चीजें समझ में नहीं आती है। तो ये एक ऐसा जो है, मैंने अब तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसमें मैंने ये चीजें एनालाइज करी है कि ये ऐसा होता है। लेकिन अगर हम एक जर्नलाइज्ड बात करें, अगर आप इन दोनों ही सिनेरियो से बाहर हैं, तो ऐसे में जो है सिर्फ यही है कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग अभी भी नहीं समझे तो इसका मतलब है कि आपने जाकर 100% नहीं दिया है। अगर वहां जाके 100% दिया है और फिर भी नहीं समझ में आ रहा, तो विच मीन्स क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एक लर्निंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, लर्निंग के बाद में उसको प्रैक्टिकल करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कुछ भी चीज हो। इसीलिए लिखा गया है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे यू विल नॉट अंडरस्टैंड हाउ टेक्नोलॉजी वर्क। तो प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली डिजिटल मार्केटिंग कैसे क्या काम करता है यू विल कम टू नो अबाउट दैट। एक बार आपको वो डिजिटल मार्केटिंग काम कैसे करती है वो समझ में आ जाएगा, यू विल ऑटोमेटिकली कम टू नो कि वेयर टू अप्लाई, बिकॉज आज की डेट में हर कंपनी के अंदर में डिजिटल मार्केटिंग की जो मार्केटर है उसकी रिक्वायरमेंट है। तो हर कंपनी अपना एक डिजिटल प्लेटफॉर्म इंप्रूव करने में लगी हुई, तो हर कंपनी के अंदर आई वुड से आप अप्लाई कर सकते हैं एज अ जॉब, लेकिन उसके लिए आपके पास में जो नॉलेज है डिजिटल मार्केटिंग का वो होना मैंडेटरी है। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जैसे डिजिटल मार्केटिंग आज के में इतना ट्रेंडी टॉपिक है, ट्रेंड में इतना है, तो हम अपना करियर उसमें चूज करें, ये राइट डिसीजन होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली राइट डिसीजन होगा, ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन अगेन कंडीशन वही है, अगर पर्सनल इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आप सक्सेस हो जाओगे। पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, किसी से इंस्पायर होकर जा रहे हो या किसी के प्रेशर में जा रहे हो, देन इन दैट केस आपका करियर नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये है कि आई हैव वॉच्ड लॉट ऑफ वीडियोस रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग ऑन यूट्यूब, बट कैन आई अप्लाई फॉर जॉब इन डिजिटल मार्केटिंग, इज दिस राइट डिसीजन और नॉट? देखो डिजिटल मार्केटिंग जब हम यूट्यूब से सीखते हैं ना, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई इनकम्प्लीट नॉलेज अवेलेबल है। बहुत सारे ऐसे अच्छे क्रिएटर्स हैं जिन्होंने बहुत सारी एफर्ट्स डाले हैं, कंटेंट को स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करके उसको अपलोड भी किया है, प्लेलिस्ट बनाई है। लेकिन क्या होता है ना कि हम लोग क्या करते हैं जिस चीज में, क्योंकि देखो भले ही ये डिजिटल मार्केटिंग है बट स्टिल एक थ्योरेटिकल सेक्शन आता है उसमें, जिसमें बहुत लोग जो है जल्दी से बोर हो जाते हैं, उस चीज को कवर नहीं करते जिसको हम फंडामेंटल कहते हैं। अब फंडामेंटल क्लियर नहीं होती वो क्या करते हैं, सीधा ही जंप कर जाते हैं जहां पे प्रैक्टिकल किया गया है। अब क्योंकि वो आप खुद ही लर्न कर रहे हो, नोबडी इज देयर टू मॉनिटर यू, तो हम क्या करते हैं जो चीज हमें पसंद आती है हम उस चीज को सीख लेते हैं, एंड उसके बाद में उसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट नॉलेज, बिकॉज आपने फंडामेंटल क्लियर नहीं करे, एंड नोबडी इज देयर टू जज कि आपने वो सीखा कि नहीं सीखा, आपको वो आया कि नहीं आया। तो आप एक खुद को एक डिजिटल मार्केटर बोलने लग जाते हो, तो आई डोंट थिंक कि वो एक राइट डिसीजन होगा आपका। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिकल किया है उस चीज को, अब आपको लग रहा है कि हाँ वो जो प्रैक्टिकल किया वो मेरा काम कर रहा है, तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। बट फिर भी एक कंडीशन के साथ, एक रिकमेंडेशन के साथ में, अगर नॉलेज आपको कॉन्फिडेंस है कि आपके पास में नॉलेज है तो ही अप्लाई करें। अदरवाइज क्या होगा, आपको लग रहा है कि मुझे आ गया है, लेकिन जब आप जाके अप्लाई करेंगे वहां पे कंपनी में, एंड कंपनी के अंदर बहुत सारे पहले से भी, हो सकता है आपके सीनियर्स भी डिजिटल मार्केटिंग वाले हो सकता है आपके पास में जूनियर्स भी हो, राइट, हो सकता है कि आपके और जो बॉसेस हैं उनको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में अच्छा नॉलेज है। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर इन दैट केस जो है आपका नॉलेज वहां पे कहीं ना कहीं जो है वो आपको डिमोटिवेट कर देगा, बिकॉज उनका एक्सपीरियंस, उनका जो नॉलेज है वो काफी वास्ट है, बिकॉज उन्होंने एक प्रॉपर चैनल से स्टडी करी है। आपने एक चैनल से स्टडी नहीं करी, आपने सेल्फ स्टडी करी है। जिस भी
क्रिएटर को आपने फॉलो किया वो भी ये नहीं पता है कि उसने 100% कंटेंट दिया भी है कि नहीं दिया है, तो ये काफी सारी कंडीशंस के ऊपर में वेरी करता है। मैं तो यही कहूंगा कि नो डाउट अगर आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है, कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग विद अ मेंटर इज इंपॉर्टेंट। अगर वो करते हो तो डेफिनेटली आपको जो है एक डीप नॉलेज मिलेगा, जो कि जनरली मैंने देखा है पेड कोर्सेज जब लॉन्च करते हैं जितने भी क्रिएटर्स हैं उसके अंदर जो नॉलेज होता है और जो यूट्यूब पे अपलोड किया जाता है दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो मैं तो ये कहूंगा कि नो डाउट आपने कर लिया, अच्छी बात है, बट स्टिल आप एक पेड कोर्स को ज्वाइन कर लें, एनरोल कर लें, भले वो ऑनलाइन करें, सेल्फ स्टडी में करें, लेकिन उसको कवर अप करके जो है आप आगे बढ़ेंगे तो आपको कभी भी डिमोटिवेट नहीं होंगे और आपको हमेशा जॉब में आगे एनहांसमेंट मिलेंगे। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि आई हैव लर्न गूगल एड्स लॉग बैक ऑनलाइन बट नाउ इफ आई लॉग इन टू गूगल एड्स देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस चेंज्ड, व्हाट शुड आई डू नाउ? देखो इसमें बहुत सारे ऐसे भी कई बार मेरे पास कॉल आते हैं डिफरेंट डोमेन्स के भी, क्योंकि मैं दो तीन डोमेन में काम करता हूँ, अलग अलग डोमेन में सेम मेरा एक्सपीरियंस रहा है। बहुत लोग बोलते हैं कि हमने बहुत पहले ये किया हुआ है, अब बहुत पहले किया है उसके बाद में उस चीज़ को यूटिलाइज नहीं किया, उस नॉलेज को साइड में पड़ा नहीं दिया, कर लिया किसी ने कह दिया या फिर अपना पर्सनल कर लिया, उसको करने के बाद में उसको यूटिलाइज नहीं किया। अब यूटिलाइज नहीं किया लेकिन अब जब दो तीन साल चार साल बाद में अब याद आया कि लेट्स डू इट, मैंने सीखा था चलो अब यूज करके देखते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा बैरियर आ जाता है क्योंकि आपने बीच में एक गैप दे दिया है। अब गैप दे दिया तो यहाँ पे टेक्नोलॉजीज आज की डेट में डे बाय डे चेंज हो रहे हैं, एल्गोरिदम्स चेंज हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स चेंज हो रहे हैं, ऑप्शंस चेंज हो रहे हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द मार्केट। तो अगर आपने लॉन्ग बैक किया हुआ है और अब आपको बहुत सारी चीजें चेंजेस दिख रही हैं तो आई ओनली रिकमेंड कि आप जो है पहले दोबारा से सीख लें, बिकॉज आपने दो तीन साल चार साल पहले जो सीखा है वो आज नहीं है, उस वक्त जो ऑप्शंस थे वो आज बिल्कुल हटा दिए गए हैं, उस वक्त का एल्गोरिदम और आज का एल्गोरिदम बहुत डिफरेंट हो चुका है। तो ऐसे में आप अगर इस एल्गोरिदम के साथ में आगे बढ़ेंगे भी तो क्या होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा, आप सेट कुछ और करना चाहते हैं गोल और एक्चुअली हो कुछ और जाएगा। तो किसी का पैसा या फिर खुद का पैसा वेस्ट करने से अच्छा है कि आपको चीजों को वापस से सीख लें, सीखने के बाद उसको कंटिन्यू करें, क्योंकि कंटिन्यू करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, आप जब कंटिन्यू करेंगे तो यू विल कम टू नो कि हाँ जब भी चेंजेस हो रहे हैं क्यों चेंजेस करेंगे, क्योंकि आप कंटिन्यू उसमें टच में हैं। तो जब भी कोई नया फीचर अपडेट होगा, टेक्नोलॉजी अपडेट होगी, प्लेटफॉर्म अपडेट होगा, यू विल नो कि हाँ ये क्यों किया गया, बिकॉज आप उसको कंटिन्यू यूज कर रहे हो, है ना। तो उसके बाद अगर आप उस चीज को कंटिन्यू करते हो फिर दोबारा आपसे वो नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने एक गैप कर दिया, बहुत बड़ा गैप आ चुका है, तो ऐसे में जो है चीजों को वापस से अडॉप्ट करना खुद ही सेल्फ तो वो एक डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। तो मेरी तो रिकमेंड यही है कि दोबारा से सीख लेना चाहिए, रेस्ट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप आज की टेक्नोलॉजी को खुद दो चार घंटे या डेली के दे के दो अगर 15-20 दिन में सीख सकते हैं तो ठीक है, दैट इज ऑल्सो फेयर इनफ, राइट। ये मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है। हाँ जी, और कोई सवाल है? देखो टिप्स एंड ट्रिक्स की जहां तक बात है तो ये हमारी जो चर्चा है वो हमेशा आपके साथ चलती रहेगी, हफ्ते में एक बार जो है आपके साथ में जो आप लोगों के द्वारा पूछे गए सवाल हैं या जो भी आपके मन में आ रहा है कि कहां से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे क्या करना होता है, किस जॉब प्रोफाइल के अंदर कौन सा अभी ट्रेंड में चल रहा है, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स अवेलेबल हैं, आपको कौन सा करना चाहिए, तो ये सब जो है हम धीरे धीरे जैसे जैसे चर्चा में आगे बढ़ते जाएंगे हर एपिसोड के साथ में कुछ ना कुछ टिप्स आपको मैं देते रहूंगा, क्योंकि आज हमने ये चर्चा को जस्ट स्टार्ट किया। तो मैं तो यही बोलूंगा कि अगर नॉलेज लेने जा रहे हो तो कंप्लीट नॉलेज लो, किसी से इंस्पायर होके या किसी के प्रेशर में आकर चीजों को सीखने से वो कंप्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी होगा। तो आई ओनली रिकमेंड कि आप तब रेडी हो इन सब चीजों को सीखने के लिए जब आपका पर्सनल इंटरेस्ट है,
तो यही आज के लिए मैं आपको मेरी तरफ से एक गाइडेंस आप कह सकते हैं, नॉट टिप्स या ट्रिप्स नहीं है, तो बेसिकली ये एक गाइडेंस है आप लोगों के लिए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये पॉडकास्ट हमारी पसंद आई होगी। अगर आपके भी कोई भी सवाल हैं, आप हमसे पूछना चाहते हैं, मेरे से पूछना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर जाके अपना पूरा कंप्लीट सवाल जो है वो लिख दीजिए, और उसके ऊपर में डेफिनेटली हम आपको जो है हर वीक की जो चर्चा होगी उसमें इंक्लूड करके आपके क्वेश्चन का आंसर जो है डिटेल में करने की कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं आपको एक नए पॉडकास्ट के अंदर नई चर्चा के साथ। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।